डीजे देख तो क्या ताजे फल लगे हैं इस पेड़ पे। वही पेड़ से फल तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और है। मिल गया। मजा आ गया। ओए ओए ये क्या? इतना बड़ा आम? भतीजे ये पेड़ अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? चाचू ये पेड़ बड़ा नहीं हुआ, हम छोटे हो गए। ओए ये भूकंप कैसा? वाह मेरा नया आविष्कार, एक ही रात में पौधे से पेड़ बन गया। इसके फल को खाते ही किसी भी इंसान का कद अंगूठे से भी छोटा हो जाएगा। ओ, 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 खोजी सिंह जी, ओए आपके पैरों के नीचे हम दब जाएंगे। अरे खोजी अंकल, खोजी अंकल नीचे। यस। ओ, अब समझ में आया, हमने ये फल खाया इसीलिए हम छोटे हो गए। ओ, नहीं। ओए खोजी सिंह जी यहाँ देखिए, ओए यहाँ नीचे, ओए हमें ठीक कीजिए खोजी सिंह जी। हेलो, हाँ हाँ मैं अभी सिटी हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। खोजी सिंह जी सुनिए, आप कहाँ जा रहे हो? ओए भतीजे, ओए खोजी तो हमें बिना देखे ही चले गए। ओए हम इतने छोटे हो गए हैं कि खोजी तक पहुंच नहीं पाए जो सिर्फ एक मीटर की दूरी पर थे। जरा सोच सिटी हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे? ओए भतीजे, ओए चलते चलते मैं तो थक गया। चाचू वो रहा बस स्टॉप, यहाँ की बस सीधे हॉस्पिटल जाती है। ओए पर भतीजे बस स्टॉप तो सड़क के उस किनारे है और जिस तेजी से सड़क पर गाड़ियाँ चल रही है इस सड़क को पार करना नामुमकिन है। बाप दीजिए क्या दिमाग लगाया है। ओहो बस तो निकल गई, अब अगली बस एक घंटे के बाद आएगी, हम इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकते। अरे 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 ये अचानक मेरे पैरों में गुदगुदी कैसे? अरे अरे वाह मछली। चाचू जल्दी से उस मछली की तरफ दौड़ो और उसकी टेल को पकड़ लो। भतीजे हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई बात नहीं चाचू, हम सवारी बदल लेते हैं, अब मछली को छोड़ दो। ओके भतीजे। हो रही बात सुन भतीजे, जंप। इन हीरो की चमक तो देखो। इन्हें बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगा। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? जंगल में नाश्ता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। ये हम कहां पहुंच गए? ये तो हीरो की खान लगती है। ये क्या? ये चालाक चोर के चुराए हुए हीरे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? चाचा भतीजा इतने छोटे अवतार में?
बहुत सताया है तुम दोनों ने मुझे। चाचा भतीजा, आज मैं तुम दोनों को चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। कहाँ चले गए? ओए पतिजी, ओए हमें तो चुलाक चोर से दूर भागना था और हम तो उसी के कंधे पर कूद बैठे। वही तो, चालाक चोर हमें हर तरफ ढूंढेगा, लेकिन वो अपनी बॉडी के ऊपर नहीं ढूंढेगा। बड़े हो या छोटे, ये चाचा भतीजा तो हमेशा मुसीबत खड़ी कर देते हैं। मंगलू का फोन है हीरो की डील के लिए। चाचा भतीजा को तो मैं बाद में ढूंढ ही लूंगा, पहले जरा इन हीरो की डिलीवरी तो कराऊं। हेलो, हाँ मंगलू बोलो। हेलो हेलो जी। ये लग गया बंदूक जी को कौन कॉल। मंगलू, हीरे मेरे पास हैं। तुम पैसे लेकर पुराने फैक्ट्री में पहुंच जाओ ठीक 3 बजे, समझे? जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। और बहादुर जीप निकाल, फोन के क्रॉस कनेक्शन ने चालाक चोर का सही लोकेशन बता दिया सर। चल। मंगलू अभी तक क्यों नहीं आया? हमेशा देरी करता है। चाचू जल्दी से उस विंड चाइम को पकड़ लो। कहाँ गया मंगलू? चाचू अब इस विंड चाइम पर ऊपर की तरफ झूल जाओ। मेरा सारा मेकअप खराब हो गया। अब बहादुर शीशा निकाल। हेलो, अब बंदूकनी जी, हम यहाँ हैं। आपकी टोपी के ऊपर है। ओ ये क्या? इसे बचाओ, हम छोटे हो गए। ओ बाबड़ी पूछ, भैंस की पूछ। यो तो चाचा भतीजा से, पर इतने छोटे कैसे हो गए? अरे कोई बात नहीं, मैं समझ गई। ये सिर्फ खोजी की मेहरबानी हो सकती है। हेलो, ओ खोजी, फिर से कर दी ना कोई गड़बड़ी। चाचा भतीजा चींटी जितने छोटे हो गए। जल्दी से एंटीडोट लेकर पुरानी फैक्ट्री पहुंच जा। मुझे पकड़ने आई थी बंदूकनी, हैं? पर याद रखना, जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर किसी की पकड़ में नहीं आता। <थैंक यू। laughs> चलो चाचू, हमें बंदूक पीजी की मदद करनी होगी। ठीक है। हाँ, ये लोग कौन है? के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके हैं। बंदूकनी जी, मैं एंटीडोट ले आया हूँ, पर चाचा भतीजा है कहाँ? इन्हीं दोनों ने हमारे एंट हिल से शक्कर चुराई थी ना, पकड़ो इन्हें, भाग नहीं ना पाए। अरे ये हम कहाँ फंस गए? ओए खोजी सिंह जी, और जल्दी से हम पर एंटीडोट डालो और हमें बड़ा करो। वो रहे चाचा भतीजा, मैं अभी उन पर एंटीडोट डालता हूँ। वो ऐसे छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। मुझे आज पता चला कि इंसान की पहचान उसके कद से नहीं, उसके दिमाग से होती है। चाचा,
फंटूश नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम से कांपे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।